अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय फेलोज एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल NPS 19 ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आवर टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, पहली बात फ्लॉरिंग एंड नॉन फ्लॉरिंग। ठीक है, जो आज हमने पढ़ना है वो है कि फ्लॉरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में मेनली जो है वो फ्लॉरिंग प्लांट्स ही हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। दो तरह के ग्रुप्स हैं इनके, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब हमने इनका डिफरेंस पढ़ना है मेनली कि मोनोकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं एंड डाइकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, मोनोकॉट प्लांट्स वो उन प्लांट्स को कहा जाता है, उन फ्लॉरिंग प्लांट्स को जिनके पास क्या हो, एक कॉटिलीडन हो, उनके सीड में सिर्फ एक कॉटिलीडन मौजूद हो, हम कहेंगे मोनोकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स द फ्लॉरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव टू कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स। यानी वो फ्लॉरिंग प्लांट्स जिनके सीड के अंदर दो कॉटिलीडन्स होंगे उनको हम डाइकॉट कह देंगे, और जिनके अंदर एक होगा उनको मोनोकॉट कह देंगे। इसी तरह हमारे पास मोनोकॉट प्लांट्स के एग्जांपल है शुगर कैन, गन्ने का, ठीक है, वीट, गंदम का, राइस, मेज। इसी तरह डाइकॉट के भी एग्जांपल हैं गावा, अमरूद का, रोज, गुलाब, पी, एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। On the basis of backbone, we have divided the animals into two groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates किनको कहा जाएगा? वो वाले animals who have backbones, यानी वो animals जिनके पास backbone होगी हम उन्हें क्या कहेंगे? Vertebrates कहेंगे, जैसे कि उनमें humans आ जाते हैं, ठीक है, हमारी backbone है तो हम भी क्या हैं? Vertebrates हैं। और हम skeleton made up of bones, ठीक है, हमें पता है कि हमारी body में भी इतनी से 206 तो total bones हैं, लेकिन हमारे जो skeleton है उसमें भी bones मौजूद हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स किनको कहेंगे? हु हैव नो बैकबोन, यानी वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती उनको हम किन ग्रुप्स में रखते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में। और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह होता है? फ्लैट होता है, राउंड होता है, सेगमेंटेड होता है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में कौन आ जाते हैं? जैसे स्नेक है, उसकी बैकबोन नहीं है, लिजर्ड है, उसकी बैकबोन नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स में आनेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फ्लॉरिंग प्लांट्स के दो ग्रुप्स, मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट, एंड इसी तरह हमने क्लासिफाई किया एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। देन आपको वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।